हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है व्रत स्पेशल स्वीट रेसिपी, जो कि एकदम झटपट से बनने वाली है और ना चाशनी ना मावा, इसकी ज़रूरत दोनों की बिल्कुल पड़ने वाली नहीं है। एकदम से ये रेसिपी बन जाती है। आप व्रत में भी बना सकते हो, नहीं भी व्रत हो तो भी आप इसे बना सकते हो। हमने कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन कर दिया है। इधर हम दूध इसमें डाल देते हैं। इधर हम आधा कप इसमें दूध डाल देंगे और दूध को अच्छे से बॉयल आने तक हमें पका लेना है। ऐसे चलाते रहना है क्योंकि दूध लगने लगता है कढ़ाई में, तो हमें चलाते रहना है और हम एकदम एक बॉयल आने तक इसको पका लेना है। इधर हमने एक कटोरी चीनी ली है, इसको हमने बारीक पिसा हुआ लेना है आपको। ये एकदम साबुत चीनी नहीं लेनी है, बारीक पिसी हुई लेनी है, तो क्यों एकदम जल्दी से ये मेल्ट हो जाती है। अभी चीनी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इधर हमने घी लिया है 2 चम्मच। आप इसकी जगह पर रिफाइन ऑयल भी ले सकते हो, वो भी डाल सकते हो इसमें। और ऑयल को भी घी को भी हम इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है और चलाते जाना है, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रख लेना है। इधर हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो। मिल्क पाउडर डालने के बाद क्या है, हमें एकदम चलाते रहना है, गिल्टी सी पड़ जाती है, तो हमें एकदम कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। अभी इसको हम चला के अच्छे से थिक तक पका लें, थिक होने लगता है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये अपने आप से मावा जैसा होने लगता है। जैसे मावा बनाते हैं ना, उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होने लगती है। इसे हम इसी तरीके से चलाते जाएंगे और ये एकदम से थिक हो जाएगा। जब बन जाएगा ना, तो एकदम कढ़ाई छोड़ने लगता है एकदम से और थिक हो जाता है। इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि चलाने में क्या कढ़ाई एकदम चिपकने लगती है और एकदम से मावा हमारा कढ़ाई में चिपकने लगता है, इसलिए हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना है इसी तरीके से। ये हमारा मावा जैसा इसका बन गया है, एकदम मावा की तरह लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा है कि मावा नहीं है, ये मावा जैसा ही लग रहा है इसे हम। और कढ़ाई को भी ये छोड़ने लगा है। और अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में इसे हम सारे अभी पेस्ट को अभी निकाल लेंगे और इसे ना हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना है। इस तरीके से हमें इसको फैला देना है, तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। आप चाहो तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो और बाहर भी इसे ठंडा कर सकते हो। हमें 20 से 25 मिनट के लिए इसे हमने फ्रिज में रखना है, फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और अभी इसको हमने निकाल लिया है। और इस तरीके से हाथों से हमें मसल देना, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से इसी मसल मसल की एकदम सॉफ्ट डो इसका बना के रेडी करना है। इस तरीके से हमें मसल एकदम चिकना सा ही बन जाएगा। इधर हमने इसको अच्छे से मसल लिया है, इस तरीके से मसलते जाना है और एकदम से अच्छे सॉफ्ट हो जाता है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरीके से एकदम चिकना ये बन जाता है। आप सेब कोई से भी दे सकते हो, इसमें पेड़ा भी आप बना सकते हो या फिर पीस भी बना सकते हो इसके, इजीली ये बन जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। और अभी हम क्या करेंगे, नींबू आकार जैसे हमें बॉल्स को ले लेना है और इस तरीके की हमें इस तरीके की सेब बना देनी है। ऐसे हमें हल्के चिकना चिकना इस तरीके से हमें सेब बना के इसके रेडी कर लें। आप सेब अपनी मनपसंद कोई सी आप इसे दे सकते हो। इधर हमने नारियल का बुरादा लिया है, इसमें हम कोट कर देंगे, इसको अच्छे से हम कोट कर देंगे और सारे पेड़ों को हम इसी तरीके से बना के रेडी करेंगे। पहले हम इसी तरीके नींबू आकार जैसी बॉल्स को लेके एकदम चिकना चिकना सा बना के राउंड इस शेप में, और इस तरीके हमें इसे गार्निश कर देते हैं। आप पिस्ता से गार्निश कर सकते हो और बादाम से भी गार्निश कर सकते हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसे आप इसे गार्निश कर सकते हो। इधर आपने हमने फूड कलर लिया है थोड़ा सा रेड कलर, इसको हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इधर हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही एकदम अच्छे लग रहे हैं और एकदम सॉफ्ट ये बने हुए हैं और एकदम से झटपट से ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई थी। अभी आपको हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितने ये सॉफ्ट बने हैं। देखा कितना सॉफ्ट ये बने हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लें।